हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम ये पुलाव की रेसिपी शेयर करेंगे और ये मैंने बिना लहसुन प्याज के बनाया है। बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही झटपट बनकर रेडी हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ मैंने सोयाबीन ली है, इसको बॉईल कर लिया और इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इसको फ्राई वगैरह कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। हम ये पुलाव बहुत ही झटपट बनाएंगे तो इसको ऐसे ही रखेंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इसको ज़रूर ऐड करिएगा। और ये मैंने चार से पांच टमाटर हैं फ्रेंड्स, बड़े बड़े टमाटर हैं। आधा किलो चावल है तो ये पांच टमाटर हैं और ये इतना अदरक और ये मिर्चा, इसको हम बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेंगे। बनाने के बाद इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, खड़े मसाले मैंने यहाँ यूज़ किया है। जीरा हम सबसे पहले डालेंगे, तो इसमें हमने जीरा नहीं डाला है। और यहाँ पर मैंने बड़ी इलायची ली है, तो दो छोटी इलायची, काली मिर्च है, दालचीनी का एक बड़ा सा टुकड़ा है, तेज़पत्ता है, ये जावित्री है, ये लौंग है। फ्रेंड्स ये खड़े मसाले हम इसमें ऐड करेंगे, इससे पुलाव का जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पर मैंने सरसों के तेल का यूज़ किया है, ज़्यादा तेल नहीं डालना है, चार से पाँच चम्मच ही तेल डालना है। और तेल को बहुत अच्छे से गर्म होने देना है, मतलब जब तक कि इसमें धुआं ना छोड़ दे। फिर उसके बाद में हम मसाले ऐड करेंगे। फ्रेंड्स इसमें हमने लहसुन और प्याज का यूज़ नहीं किया है और ये बिना लहसुन प्याज के ही बहुत अच्छा बनकर रेडी होता है। तो जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं वो लोग इसको ज़रूर बना के ट्राई करें। तो ये तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। यहाँ पर हमने ज़ीरा डाला है, ज़ीरे की क्वान्टिटी फ्रेंड्स देखिए ज़्यादा रहेगी तो हम ज़ीरा ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से तेल गरम है। और यहाँ पर मैंने हींग डाला है। फिर इसके बाद जो ये खड़े मसाले हैं, हम खड़े मसाले भी इसमें ऐड कर देंगे और गैस को धीमा कर देंगे, उसको थोड़ा सा ढक देंगे जिससे कि मसाले बाहर ना आए। थोड़ा सा मसाले भी हल्के से रोस्ट हो जाने चाहिए बस। और ये जो टमाटर की हमने प्योरी बनाई है तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम इसको हाई फ्लेम पर ही हमें टमाटर को पकाना है। और टमाटर जब तक पकाएंगे तब तक इसमें से तेल ना छोड़ दें। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ मसाले ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पर हम फ्रेंड्स पुलाव बना रहे हैं तो उसमें शांत रहना, तो यहाँ पर टमाटर हमें बिल्कुल हाई फ्लेम पर ही पकाना है। और इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि धनिया हमें पिसी नहीं डालना है इसमें, क्योंकि हम पुलाव बना रहे हैं। यहाँ पर हम फ्रेंड्स थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ी सी ही डालनी है। और थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे, गरम मसाला भी हमें थोड़ा ही डालना है। और थोड़ा तो इसको चलाने के बाद इसमें जो हमने जितना भी सब्जियाँ काट के रखी थी वो सब हम इसी में ऐड कर देंगे। और बिल्कुल गैस को हमें तेज रखना है, धीमा नहीं करना है। पनीर हम अभी नहीं डालेंगे फ्रेंड्स, पनीर हम बाद में डालेंगे। और इसको हमें तब तक भूनना है जब तक इसमें तेल ऊपर से दिखने न लगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मसाले अच्छे से भुज गए हैं और इसमें तेल भी हमको दिखने लगा है। अब इससे ज़्यादा हम नहीं भूनेंगे। इसमें फ्रेंड्स हम थोड़ा सा देसी घी ऐड करेंगे, क्योंकि देसी घी से पुलाव बहुत ही अच्छा बनेगा और जो चावल है थोड़ा सा खिले खिले बनेंगे। जैसे कि तीन से चार चम्मच हमें देसी घी ऐड करना है। और इसी में थोड़ा सा हम नमक मिला देंगे, जिससे कि थोड़ा सा जितना भी वेजिटेबल्स है उनमें सब अच्छे से नमक मिक्स हो जाए और एक बराबर नमक रहे। फिर उसके बाद में हमें यहाँ पे जितना भी हमने पुलाव वॉश करके रखा है चावल, उसको मैं ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स हो गया है और गैस को हमने धीमा कर दिया है। तो मिक्स करने के बाद जो हमने यहाँ पर चुकंदर लिया था उसको भी इसी में हम ऐड कर देंगे। और जो पनीर है इसको भी हम लास्ट में डालेंगे, जिससे कि पनीर हमको दिखे। अब पानी यहाँ पर मैंने बॉईल करके रखा है, तो पुलाव में बॉईल ही पानी डालेंगे और ज़्यादा पानी हमें नहीं ऐड करना है। अब इस स्टेज पर हम जितना नमक हमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है वो डाल के हम एक सीटी नहीं आने देंगे, बस तब तक ही हमें पकाना है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने थाली लगा ली है और ये देखिए पुलाव भी बनकर रेडी हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये इसमें थोड़ा सा हमारी धनिया से गार्निश कर देंगे और इसमें हमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे तो आप इसमें दही का रायता वगैरह बना सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। और आप देख सकते हैं कि तो ये देखिए फ्रेंड्स पुलाव कितना बढ़िया खिला खिला बना है और हमने ये कुकर में ही बनाया है, अलग से नहीं बनाया है। तो बहुत ही टेस्टी बनता है, आप भी इसको बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स आज का हमारा ये डिनर बनकर रेडी हो गया है। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो या अगर पुलाव की रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।